पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के आखिरी ग्रुप मैच में जैसन रॉय और इफ्तिखार अहमद के झगड़े पर मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर डेविड विली ने लबकुशाई कर दी। मैच के अख्ताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर डेविड विली ने बताया कि जैसन रॉय का मेरी गेंद पर LBW आउट होने के बाद झगड़ा हुआ। रिव्यू लेने के बजाय बैटर ने इफ्तिखार अहमद की तरफ देखा और तलख जुमलों का तबादला किया और इतने में रिव्यू का वक़्त चला गया। इन्होंने कहा कि मैच के दौरान खिलाड़ियों में जबानी छेड़छाड़ चलती रहती है जो खेल का हुसन है। हम क्रिकेट के मैदान पर परजोश होते हैं और मैच में कामयाबी के लिए उतरते हैं। दूसरी जानिब जैसन रॉय ने ड्रेसिंग रूम में वापस जाते हुए शदीद गुस्से का इजहार किया था और टीम के डकआउट के पास पहुंचकर अपना बैट और हेलमेट फेंक दिया था। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शदाब खान और कराची किंग के कप्तान शान मसूद रिव्यू के मामले पर उलझ पड़े थे। ताहम मैच के अख्ताम पर दोनों ने फील्ड में होने वाले तलख कलामी पर तफसीलात शेयर करते हुए बताया कि गलत फहमी हो गई थी।